और हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी? निश्चित तौर पर, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ताओं का कर्तृत्व, इन दोनों का जो संगम है, जो इस तरह की विजय को विजय हासिल करना, ये स्वाभाविक तौर हम इसका दावा कर रहे थे। लेकिन कुछ जो है एग्जिट पोल में इस दावे के विपरीत दावे किए जा रहे थे। अब एग्जिट पोल में जब मतगणना प्रारंभ हुआ तो आप देख रहे हैं किस तरह का ट्रेंड है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, इस बार ये कहा जा रहा था, कुछ चुनावी पंडित ये कह रहे थे कि भाई बदलाव की बयार बह रही है, 15 साल का शासन रहा नीतीश कुमार का, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हुई नहीं, और तेजस्वी यादव ने एजेंडा सेट कर दिया इस बार। 10 लाख नौकरियों का वादा जो उनका था वो सुपरहिट साबित हुआ और उसने एजेंडा सेट कर दिया, आप लोगों को भी उस लाइन पर आना पड़ा। दम है इसमें या नहीं? 10 लाख नौकरियों की उन्होंने बात तो की, लेकिन लोगों को उनके पिता और उनकी माता के दौरान का जंगल राज भी भरी बात याद था। सबको याद था कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं देते थे। तो जिसकी साख नहीं हो उसके वादों पर कोई भरोसा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार कैसे देंगे उसको बाकायदा विस्तार में बताया, जनता को विश्वास हुआ। दोनों के साख का सवाल है ना, कि वादा कौन कर रहा है, संकल्प किसका है। साख वाले का संकल्प है कि बिना साख वाले का संकल्प है? तो जिसका साख विहीन जो संकल्प था उसको लोगों ने अस्वीकार कर दिया। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।